ये माइक्रोमैक्स का Q350 मोबाइल है और इस मोबाइल में हमारे में FRP लॉक लगा हुआ है। अब इस मोबाइल का FRP लॉक हम मेडिकल बॉक्स द्वारा खोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मेडिकल बॉक्स का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद एमटी के सी भी लगा हुआ है इस मोबाइल में, माइक्रोमैक्स का Q350 मोबाइल है, तो इसके लिए हमने यहां से एमटी के सिलेक्ट किया। इसके बाद यहां से अनलॉक एंड फिक्स में जाते हैं और बूट सिलेक्ट में 8 बूट सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लियर सेटिंग FRP पर टिक लगा के स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही इस प्रकार से यस नो लिखा आता है, जिसमें हम नो पे क्लिक कर देते हैं और नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेटिंग फॉर USB लिखा आता है। इस समय हम मोबाइल को ऑफ करके USB केबल द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। और कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही से कनेक्ट करती है, कुछ इस प्रकार की प्रोसेस चलती है। और यहाँ पे रीसेटिंग्स लिखा जाता है, इसके बाद मोबाइल को डिस्कनेक्ट करते हैं। और मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं। ये हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद इस प्रकार से सेटिंग्स आती हैं, जिसमें हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद इसको स्किप करते हैं, फिर वाईफाई सेटिंग्स को भी स्किप करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड के लिए आता है, जिसमें हम यदि पासवर्ड डालना चाहते हैं तो हम पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पैटर्न लॉक लगा दिया है इस मोबाइल में। इसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ से हम इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे मोबाइल में मेन्यू खुल जाता है, इसका मतलब इस मोबाइल का पैटर्न FRP लॉक खुल जाता है।